नमस्कार, संडे फंडे रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जो बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो सकता है। हम सभी को गाजर का हलवा बनाने में बस घिसने बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो आज हम बिना घिसे गाजर का हलवा बनाएंगे। हमने 1.5 किलो गाजर लिया है, जो धो के साफ करके उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसको कढ़ाई में रखेंगे और ढककर 20 मिनट पकाएंगे। 20 मिनट हो गया है, चलिए हम देख लेते हैं कितना पका है। ये देखिए, चला के हम देखेंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो गया है और हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पानी खुद छोड़ता है, आप देख सकते हैं। हम इसे ढककर 5 मिनट और पकाएंगे। हम देख लेते हैं गाजर पका कि नहीं। ये देखिए, पक गया है गाजर। गैस को ऑफ कर देंगे और मैशर से अच्छे से इसको मैश कर लेंगे और ये बिल्कुल वैसा ही होगा जो हम घिस कर बनाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये मैश हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। है ना आसान तरीका, कोई झंझट भी नहीं, अच्छे से मैश भी हो गया और हमको घिसना भी नहीं पड़ा। गाजर का हलवा बनाना चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 लीटर दूध लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। दूध को अच्छे से पकने देंगे और हम बीच बीच में उसको चलाते रहेंगे। इसमें हम 1/2 किलो शक्कर डालेंगे, बादाम डालेंगे 1 चम्मच, नारियल डालेंगे 2 चम्मच, छुहारा डालेंगे 1/2 चम्मच, काजू डालेंगे 1 चम्मच और इसे अच्छे से चला के बढ़िया से हम पकने देंगे। एकदम गाढ़ा दूध हो जाएगा तब हम इसमें गाजर डालेंगे। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा गाढ़ा हो गया है, पर हम इसे और पकाएंगे। अब आप देखिए इसका गाढ़ापन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसमें गाजर डाल देते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए और हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात रहती है, गाजर का हलवा बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, कोई झंझट नहीं है और हमें घिसना तो बिल्कुल नहीं है। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने से इसका स्वाद दुगना बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी आता है। सर्दियों में गाजर का हलवा हमें जरूर बना के खाना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम गाजर के हलवा को अच्छे से गार्निश करेंगे। गार्निश करने से गाजर का हलवा बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। दोस्तों, ये रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट के जरिए हम तक जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट संडे हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ खाएं, स्वस्थ खिलाएं, स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।